हेलो एवरीवन, आज जो हम बुक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आई लव यू लिटिल मंकी, जिसे लिखा है एलन डुरान ने। तो चलो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। छोटा मंकी बहुत बोर हो रहा था और जो बड़ा मंकी था वो उसके पापा वो क्या कर रहे थे, वो रात के खाने के लिए फ्रूट्स तोड़ रहे थे। अब लिटिल मंकी के पास तो कोई नहीं था खेलने के लिए, तो उसने बोला मैं बोर हो रहा हूं। तो पापा बोले तो जाओ ना तुम थोड़ा पेड़ पे चढ़ो, तुम्हें तो पेड़ पे चढ़ना पसंद है ना। अब छोटा मंकी पेड़ पे चढ़ने लगा, ऊपर चढ़ा, नीचे उतरा, बहुत देर खेला। फिर नीचे जब उतर के आया तो उसने देखा यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं। तो उसने क्या किया, वो उठाया और उठा के पेड़ पे फेंकना शुरू किया। अब वो बहुत सॉफ्ट फ्रूट्स थे, तो वो जैसे ही पेड़ पे लगे तो वो स्प्लैट होके फैल गए और उसको बड़ा मजा आने लगा। और फिर एक एक करके उसने सारे पेड़ पे फेंक दिए। जब पापा मंकी वापस आए तो उन्होंने देखा ये क्या, सारे फ्रूट्स तुमने वेस्ट कर दिए, मैंने इतनी मुश्किल से तोड़े थे रात के खाने के लिए, अब फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो बेबी मंकी ने बोला आई एम सॉरी, चल मैं भी आपकी मदद करता हूँ। फिर पापा मंकी और बेबी मंकी ने मिलके सारे फ्रूट्स रात के खाने के लिए तैयार कर लिए। फिर बोला चल ना अब हम खेलते हैं, अब हम कोई गेम खेलने चलते हैं। तो पापा ने बोला अभी नहीं, अभी मुझे रात तुम्हारे सोने के लिए बिस्तर सही करना है, तुम जाओ तुम स्विंगिंग और जंपिंग करो, तुम्हें तो बहुत पसंद है। तो अब बेबी मंकी स्विंगिंग करने लगा, जंपिंग करने लगा। तभी उसने देखा अरे वाह, मेरे लिए जो इतना अच्छा बिस्तर बिछाया हुआ है इसमें जंप करना तो बहुत मजा लगेगा। और उसने सीधा उस पर जंप किया और तभी वो जैसे ही जंप किया वो पूरा बेड टूट गया। तो पिक मंकी ने फिर से बोला ये तो तुमने बहुत गंदी बात की है लिटिल मंकी, इतनी मुश्किल से मैंने बिस्तर जमाया था, फिर से जमाना पड़ेगा। तो बेबी बोला चलिए ना मैं भी मदद करता हूँ। फिर लिटिल मंकी ने सारा बिस्तर वापस से मदद करके जमाया। फिर बोला चलिए अब हम खेलते हैं कुछ। पर पापा मंकी बोले अब नहीं, अब तो मुझे थोड़ी नींद आ रही है, इतना एक्स्ट्रा काम किया ना तो वापस मैं थक गया, अभी तो बाद में करता हूं। फिर लिटिल मंकी खुद ही खेलने लगा, इधर उधर भागने लगा, जंप करने लगा और फिर फॉलिंग कैचिंग पेड़ में करने लगा। तभी अचानक से एक बेल से उसका हाथ छूटा और सीधा गिरा वो किस पे, बिग मंकी पे। और बिग मंकी को आ गया बहुत तेज गुस्सा, उन्होंने बोला तुम इतने नॉटी मंकी हो, चलो जाओ अपने बिस्तर में तुरंत जाके सो जाओ। लिटिल मंकी रोने लगा और रोते रोते जाके ऊपर अपने बिस्तर में सोने गया। तब बिग मंकी को लगा शायद मैंने डांट दिया, मुझे नहीं डांटना चाहिए था। तो वो गए बेबी मंकी के पास और बोले कि तुम मत रो, आई लव यू। तो बेबी मंकी ने बोला नहीं आप मुझे प्यार नहीं करते, तभी तो आप मुझे डांट रहे हो, जब मैं नॉटी हो जाता हूँ बदमाशी करता हूँ तब आप नहीं करते प्यार। तो फिर बिग मंकी ने बोला ऐसा नहीं है बेटा, मैं आपको प्यार करता हूँ, चलो एक काम करते हैं, चलो हम लोग स्विंग एंड चेस खेलते हैं, ठीक है। और स्विंग एंड चेस तो बेबी मंकी को बहुत पसंद था, तो उसने बोला कि चलो हम खेलते हैं। और फिर उन्होंने स्विंग किया और चेस किया जो उन्हें बहुत पसंद था। फाइनली खेलने के बाद वो लोग एक पॉन्ड के पास आए और दोनों ने वहां पानी पिया, क्योंकि खेलते खेलते बहुत प्यास लगी थी। बहुत मजा आया, लिटिल मंकी ने बोला। पिक मंकी ने बोला हाँ मुझे भी। फिर लिटिल मंकी ने पिक मंकी को बोला आई एम सो सॉरी, मैंने जो बदमाशियां किया था उसके लिए। और पिक मंकी ने बोला आई एम ऑल्सो सॉरी, मुझे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए था। तो छोटा मंकी बोला हाँ आपने जो मुझे डांटा वो भी बदमाशी थी, वो भी एक नौटी था। फिर बिग मंकी ने लिटिल मंकी को एक हक किया और बोला बेबी मंकी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, चलो आ जाओ मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें फटाफट घर लेके जाता हूँ। और बेबी मंकी ऐसे पापा मंकी के गले में हाथ डाल के उनकी पीठ पे चढ़ गया और बोला मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ पापा। और फिर वो लोग घर चले गए। The end. आई लव यू लिटिल मंकी बाय एलन डुरान। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपको एक और वीडियो में एक और बहुत अच्छी बुक के साथ मिलूंगी। बाय बाय।